उसके बाद ओले पुट द वैगन टू गुड यूज़ फॉर फेयरिंग हैवी लोड्स, वुड, वेजिटेबल, अर्थन पॉट्स एंड समटाइम्स इवन पीपल. और उसके बाद में जो उसके पास वैगन था उसको वो यूज़ करने लग गया, मतलब लोड करने के लिए, मतलब कुछ एक कुछ भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जैसे वुड हुआ, वेजिटेबल हुआ, अर्थन पॉट्स मतलब पॉट्स हुए, और समटाइम्स कभी कभी तो लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने लगा, तो उसके उसको पैसे मिलने लगे. ही हैड टू वर्क डे एंड नाइट, और वो बहुत दिन और रात बहुत बहुत मेहनत से काम करने लगा. टू अर्न मनी नीडेड फॉर बाइंग अ पोनी, और उसको क्या खरीदना था, उसके लिए पोनी खरीदने था. व्हेन ही हैड मेड इनफ मनी, फिर उसके पास जो उतनी मनी हो गई, मतलब जितनी उसको पोनी खरीदने के लिए चाहिए थी, ही लुक्ड फॉर ए पोनी, और वो क्या देखने लग गया, एक पोनी को खरीदने के लिए देखने लग गया. मोर केयरफुली देन ही हैड फॉर द वैगन एंड बॉट ए हैंडसम ब्लैक वन विथ अ थिक शाइनी मेन. फिर उसने ना बहुत एक सुंदर सा पोनी खरीद लिया, हैंडसम ब्लैक, है ना, तो उसने बहुत खरीद लिया. ओले वॉज एक्साइटेड वाइल राइडिंग द पोनी टू द वुड्स, और इस बार ओले जो था ना वो बहुत एक्साइटेड था, वो सोच रहा था कि इस बार तो है ना वो जो मैगीपाई उसे पसंद आ ही जाएगा, है ना, तो वो जंगल की तरफ चला गया. ही वो श्योर द मैगीपाई वुड लेट हिम स्प्रिंकल सॉल्ट, और वो श्योर हो रहा था, मतलब जब वो जा रहा था जंगल की तरफ, वो श्योर था कि इस बार है ना मैगीपाई अपने टेल पे ना उसे सॉल्ट स्प्रिंकल करने देगी. ही हैड ए पॉकेट फुल ऑफ सॉल्ट, और इस बार वो अपनी पूरी पॉकेट भर के गया ना सॉल्ट की, ठीक है. विथ हिम दैट डे विथ बेटेड ब्रेथ ओलिव वॉच द मैगीपाई एज शी टुक ए हार्ड लुक एट द पोनी, और फिर वो पूरी खुशी के साथ वहाँ पे चला गया. और ओले ने ओले देखता है वहाँ पे मैगीपाई है ना, वहाँ पे बहुत हार्ड लुक उसको दिया, हार्ड लुक मतलब बहुत ऐसे थोड़ा हल्के से उसको देखा पोनी को जो वो लेकर आया था. शेकिंग हर हेड एंड फ्लैपिंग हर विंग, उसने अपना सर हिलाया और अपने विंग्स को फ्लैप किया, मतलब फड़फड़ाया, ठीक है. और फिर उसने कहा, शी डिक्लेयर्ड आई प्रेफर ब्राउन पोनीस, फिर उसने बोला मुझे तो ना ब्लैक नहीं चाहिए था, वो तो ब्लैक खरीद के लाया था, उसने बोला कि आई प्रेफर ब्राउन पोनीस, मुझे तो ब्राउन कलर का चाहिए था. ओले लुक्ड एट हर द मोस्ट डिसअपॉइंटेडली एंड शाउटेड, और ओले इस बार बहुत ज़्यादा निराश हो गया और उसने ना चिल्लाया, यू आर इम्पॉसिबल टू प्लीज़, तुम्हें है ना खुश करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें खुश करना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता ऐसा कि तुम खुश हो जाओ. एम आई द मैगीपाई लुक्ड कॉकीली एट हिम बिफोर फ्लाइंग अवे, और उसने बोला अच्छा मैं, तो मैगीपाई थोड़े से गुस्से में बोली और वहाँ से उड़ गई. हे वेट आई गेट यू ए ब्राउन पोनी, फिर वो ओले ना उसको मतलब ऐसे सोचता है कि तो नाराज़ होके जा रही है, तो उसको रोकता है कि रुको रुको मैं तुम्हारे लिए ब्राउन कलर का पोनी लेके आऊँगा, ठीक है. नाउ वॉट आई वॉन्ट इज अ हाउस विथ अ ब्यूटिफुल गार्डन, तो फिर वो बोलती है नहीं नहीं इस बार अब मुझे पोनी ब्राउन कलर का नहीं चाहिए, अब मुझे तो क्या चाहिए, एक घर चाहिए विथ अ ब्यूटिफुल गार्डन, जिसमें ना बहुत सुंदर सा गार्डन होना चाहिए. यू सी इट्स टाइम दिस प्रिंसेस हैज़ अ हाउस ऑफ हर ओन, अब क्या वक्त है अब इन्हें एक प्रिंसेस का, क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ तो मेरा खुद का घर एक होना चाहिए और उसमें बहुत सुंदर सा गार्डन भी होना चाहिए. ऑल इट वॉज डम फाउंडेड एट द मैगीपाई डिमांड, ऑल इन थोड़ा सा सक पकाया कि ये फिर से डिमांड उसने रख ली, इतनी बड़ी डिमांड रख ली और मैं इसको कैसे फुलफिल करूँगा, ठीक है. नेवर दी लेस फिर भी ही बिगिन डिवाइसिंग वे टू अर्न मनी टू फॉर बाइंग द हाउस, फिर भी उसने सोचा कि चलो प्लान बना लेते हैं कि क्या हो सकता है मैं खरीद लूँ, है ना, मैं एक इसके लिए घर खरीद लूँ और इतनी मेहनत मैं करूँगा जिससे मेरे पास पैसे इतने आ जाए, ठीक है. ही हार्नेस द पोनी टू द वैगन, और फिर उसने क्या किया, जो उसके पास पोनी था ना और वैगन था, उसको ना वैगन को पोनी के साथ ज्वाइन कर दिया, हार्नेस कर दिया. एंड यूज द कैरेजेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग, और उसने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया, मतलब एक चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाने का. अब और भी कम टाइम लगने लगा क्योंकि पहले ज़्यादा टाइम लगता था, ठीक है, अब तो उसके पास पोनी आ गया था तो उसको और भी कम टाइम लगने लगा. हैवियर लॉड, उस बार उसने हैवियर लॉड बहुत भारी भारी चीज़ें वो ले जाने लगा. ही कंटिन्यूड विद द बिजनेस ऑफ मेकिंग टॉयज, और उसने अपना वो जो बिजनेस था टॉयज बनाने का वो कंटिन्यू रखा. ही टॉयल्ड सो हार्ड एंड सून ही हैड मोर मनी, और उसने बहुत मेहनत की और उसके पास फिर बहुत ज़्यादा मनी आने लगी. देन वॉज नीडेड टू पे फॉर द हाउस, जितनी उसके उसको घर खरीदने के लिए चाहिए थी. दस इज नॉट ओनली बॉट है हाउस, अब इस बार उसने ना सिर्फ घर खरीदा विद अ गार्डन, उसमें गार्डन था व्यू, बट ऑल्सो सेटअप ए बिजनेस वेंचर विद द एक्स्ट्रा मनी, और उसके पास जो एक्स्ट्रा मनी आ गई थी अब उसके बिजनेस से जो उसने बहुत हार्डवर्क किया उससे उसने घर खरीदा एक गार्डन के साथ, और उसके अलावा एक बिजनेस जो बहुत बड़ा बिजनेस था वो भी सेटअप कर लिया. इट वॉज टाइम टू गो बैक द वुड्स टू फाइंड द मैगीपाई एंड टेल हर अबाउट द एकम्प्लिश टास्क, इस बार अब किसका टाइम आ चुका था, उसको वापस कहाँ जाना था, जंगल में जाना था और मैगीपाई को बताना था कि उसने उसका टास्क जो है ना वो कंप्लीट कर लिया जो उसने उसको बोला था.
On this occasion, he carried with him a packet of salt to sprinkle on the magpie's tail. और इस बार उसने क्या किया, एक पूरा पैकेट ले लिया सॉल्ट का. क्यों? क्योंकि उसको ना वो सॉल्ट जो है ना वो मैगीपाई के टेल पे डालना था. ठीक है, और कहाँ चला गया, जंगल जाने लग गया. द मैगीपाई वॉज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज और लुकिंग फॉर फार आउट ऑफ समथिंग. और वो इस बार जब वो जंगल पहुँचा तो मैगीपाई जो थी वो कहाँ बैठी हुई थी, वो बैठी हुई थी जो सबसे लंबा ट्री था ना उसके सबसे टॉप पे बैठी हुई थी और बहुत दूर से उसने उसको ओले को देख लिया था. आई हैव बॉट यू अ हाउस विद अ गार्डन व्यू. फिर वो आके उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक घर खरीद लिया है और उसमें ना गार्डन भी है, बहुत सुंदर गार्डन है. नाउ मे आई गेट टू स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन योर टेल एंड मेक माई विश. तो बोलता है कि अब क्या मैं सब तुम्हारे विशेज कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी टेल के ऊपर मैं क्या डाल दूँ, सॉल्ट डाल दूँ क्या. शाउटेड ओले फ्रॉम बिनेथ. जो वो जो ओले होता है वो नीचे से शाउट करता है क्योंकि वो सबसे टॉप सबसे लंबे पेड़ की टॉप पे बैठी हुई होती है. ठीक है, द मैगीपाई लुक डाउन. तो मैगीपाई नीचे देखती है. द सी शी सीम्ड क्वाइट प्लीज. और इस बार वो थोड़ा सा खुश नज़र आती है. शी लेफ्ट हर पर्च एंड केम अप टू हिम राइट इन फ्रंट. और वो इस बार अपनी जगह छोड़कर उसके सामने आ जाती है. किसके सामने, ओले के सामने आ जाती है. दिस वॉज द क्लोजेस्ट शी हैड एवर कम. और इस बार वो सबसे ज़्यादा पास आई थी, मतलब इतना पास ओले के वो कभी नहीं आई थी. वो सबसे मतलब पहली बार था जब वो ओले के इतने पास आई थी मैगीपाई. ठीक है, यू हैव टॉइल्ड हार्ड टू गिव मी व्हाट आई वांट. तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो मुझे चाहिए था तुमने मुझे दिया है. सो आई विल ग्रांट यू. तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ. व्हाट एवर यू विश फॉर गो अहेड. तुम जो चाहते हो ना वो तुम मांग लो, विश कर लो. स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन माई टेल. अब तुम क्या करो, मेरी टेल पर सॉल्ट डाल दो. ठीक है, और शी स्ट्रक आउट हर टेल. तो उसने अपनी जो पूंछ थी ना उसकी तरफ मोड़ दी. द मोमेंट हैड कम एट लास्ट. और जो जो जिस मोमेंट का उसको इंतज़ार था ओले को, वो फाइनली आ गया था. ही वॉज ट्रैम्बलिंग विथ एक्साइटमेंट. वो थोड़ा सा डर रहा था, मतलब ऐसे नर्वस सा हो रहा था कि एक्साइटमेंट की वजह से कि हाँ जो मुझे चाहिए था ना वो अब फाइनली कम्प्लीट होने वाला है. एज ही पुश्ड हिज फिंगर्स इनटू द पैकेट ऑफ सॉल्ट. और उसने अपनी फिंगर्स को किस में डाला, जो सॉल्ट का पैकेट होता है उसमें डाला. ही बियरली मैनेज टू रिमूव ए पिंच. और उसने उसमें से एक पिंच निकाला, एक चुटकी भर उसमें से सॉल्ट निकाल लिया. ही क्लम्सली स्प्रिंकलड द सॉल्ट इन ऑन टू द बर्ड्स टेल. और वो बहुत धीरे धीरे सॉल्ट उसकी टेल पे डालने लगा. वेल से अलाउड वॉट यू विश फॉर द मैगीपाई प्रोडक्ट. फिर मैगीपाई ने बोला तुम्हें ना बहुत तेज से बोलो, जो भी तुम्हें विश चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो बोलते जाओ. ठीक है, डालते भी तुम्हें बोलना है. अगर तुमने डालने के बाद बोला तो फिर तुम्हारी विश कंप्लीट नहीं होगी. तो तुम्हें सॉल्ट डालते हुए फिर विश अपनी पूरी बुक करनी है. ठीक है, ओले सेड ईगरली. तो ओले बहुत खुशी खुशी में बोले आई वॉन्ट ए पोनी. उसने बोला मुझे एक पोनी चाहिए. नो नो आई हैव दैट. फिर उसने बोला नहीं पोनी तो मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे पास पहले से ही. आई वॉन्ट अ वैगन. उसने बोला मुझे वैगन चाहिए. नो नो आई हैव दैट टू. मुझे मेरे पास तो वो भी है तो मुझे वो भी नहीं चाहिए. हरी सेड द बर्ड योर टाइम इज़ रनिंग आउट. फिर वो नमक डाले जा रहा था और फिर उसने मैगीपाई ने बोला अरे जल्दी करो, तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है. तुम अगर जल्दी नहीं बोलोगे तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा. और उसके बाद अगर तुम मांगोगे टाइम, जब तुमने पूरा नमक डाल दोगे उसके बाद अगर तुम मांगोगे तो फिर तुम्हारी जो विश है ना वो कंप्लीट नहीं होगी. इंडीड व्हाट शुड ही आस्क फॉर. तो वो सोच रहा था कि अब मैं क्या मांगूँ, मेरे पास तो सब कुछ आ गया. ही हैड बीन सो बिजी वर्किंग दैट ही हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन ऑल दैट ही हैड एवर विश्ड फॉर. वो तो उसने सोचा कि मैं तो सब कुछ, मैं इतना बिजी था अपने काम में, मैं तो भूल ही गया कि जो मुझे चाहिए था वो तो सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है. वन सेट द मैगीपाई टू. फिर मैगीपाई ना काउंटिंग करने लगी कि टाइम की टाइम ओवर होने वाला. फिर बोलने लगी वन टू इस तरह से. ठीक है, ओके गिव मी अ मोमेंट टू थिंक. और फिर वो बोलता है, उसको चुप करता है मैगीपाई. ओले ओले ना मैगीपाई को चुप करता है. चुप रहो, मैं इनको सोचने दो, मुझे क्या चाहिए. ओले रिक्वेस्टेड बट ही कुड नॉट थिंक ऑफ सिंगल विश. लेकिन अब वो तो सोच ही नहीं पाया क्योंकि उसकी सारी विश जो जो उसको चाहिए थी, घर जो उसको चाहिए था वो घर उसके पास था, वैगन उसके पास था, पोनी उसके पास था, नाइफ भी उसके पास था. ठीक है, जो जो उसको चाहिए था वो सब मिल गया. थ्री और जो मैगीपाई थी वो कंटिन्यू क्या कर रही थी, अपनी काउंटिंग शुरू कर रही थी. एंड फ्लिप्ड हर टेल फीदर. और अपने पंखों को हिला रही थी कि टाइम है ना कंप्लीट होने वाला है. द सॉल्ट फेल ऑफ एंड द मैगीपाई बिगिन लाफिंग. और जो ना वो जो जो स्प्रिंकल कर रहा था सॉल्ट को, वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया. और मैगीपाई ना ने हंसना शुरू कर दिया लाउड एंड हिस्ट्रिकली. बहुत मतलब बहुत अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलली ना वो हंसती रही है मैगीपाई. बहुत ऐसे बहुत खुल के हंसने लग गई. इवन द वुड्स बिगेन टू री वाइब्रेट विथ हर लाफ्टर. और जो वुड्स थे ना, जंगल थे, जंगल में भी उसकी आवाज़ जो हंसने की आवाज़ है ना इको करके वापस सुनाई दे रही थी. ठीक है, जैसे आप बहुत घने जंगल में होते हो या हिल्स पे होते हो तो जब आप कोई भी कुछ भी बोलते तो आपकी जो वॉइस है ना वो इको करके वापस आपके पास आती है. तो वैसा ही हो रहा था.
जब मैगी पे हंस रही थी तो उसके बाद वापस मूव करके वाइब्रेट होके वापस आ रही थी. ओले ग्लेयर्ड एट द बर्ड. ओले जो था ना उसको देख रहा था बर्ड को कि ये क्या हो गया. डोंट यू हैव एवरीथिंग यू एवर वॉन्टेड एंड ऑल दिस विदाउट हैविंग टू मेक अ सिंगल विश. शी आस्क्ड. फिर उसने बोला कि तुम्हारे पास वो सब कुछ आ गया जो तुम चाहते थे और तुमने कोई विश भी मतलब विश बिना मांगे मतलब बिना मांगे वो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया. तुम्हारी विश भी तुमने बोली नहीं. ठीक है. फिर भी इंडीड ही हैड एवरीथिंग दैट ही हैड विश्ड फॉर. मतलब उसके पास सब कुछ था जो वो चाहता था हमेशा से. कौन? ओले. एंड ही हैड नॉट इवन नोटिस. और उसने नोटिस भी नहीं किया. ही सेड आई वर्कड हार्ड जस्ट टू बी एबल टू स्प्रिंकल सॉल्ट ऑन योर टेल फीदर्स. मैंने तो इतना हार्ड वर्क जो था ना वो इसलिए किया कि मैं तुम्हारे टेल पे क्या करूँ सॉल्ट डाल सकूँ सॉल्ट स्प्रिंकल कर सकूँ. विच वॉज क्वाइट अननेसेसरी. जो कि इतना ज़रूरी नहीं था. आई मे एज वेल हैव वर्कड फॉर माई सेल्फ. मुझे ये काम जो था ना ये काम मैं बहुत पहले कर सकता था मेरे खुद के लिए. लेकिन मैं तो लालच में आ गया और मैंने तुम्हारे फीदर्स पे ना तुम्हारी टेल पे ये स्प्रिंकल डालने के लिए मैंने इतनी सारी मेहनत की और मैंने उस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया. यस. हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट. अच्छा तुमको ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. मतलब कैसे तुमको ये कैसे पता चला. ओले नेवर डिड ट्राई टू एक्सप्लेन इट. ओले ने कभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं समझी. ही हैड क्वाइट वेल अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प. अब वो समझ चुका था. मतलब उसे अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी कि अपना सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है. अब वो अच्छे से समझ चुका था कि सेल्फ हेल्प करना खुद के लिए काम करना कितना अच्छा होता है. मतलब बैठे रहने सोचते रहो है ना उससे बेटर है कुछ करना. ठीक है. तो वो अब समझ चुका था इसकी वैल्यू. ही सेटल डाउन इन द न्यू हाउस. और वो अपने नए घर में जाके सेटल डाउन हो चुका था. मतलब अपने नए घर में रहने चला गया था. कंटिन्यू टू वर्क हार्ड. और अपना उसने जो हार्ड वर्क करना शुरू किया था उसको कंटिन्यू किया. ठीक है. मैरिड स्वीट यंग वुमेन. और उसने एक यंग वुमेन से शादी कर ली सुंदर सी लड़की से. एंड रेज टू फाइन चिल्ड्रन. और उसके दो बच्चे भी हो गए. ठीक है. नीडलेस टू से. और इसकी कहने की ज़रूरत नहीं. ही इन शॉर्ट दैट हिज चिल्ड्रन लर्न द वैल्यू बिहाइंड द बिलीफ सॉल्ट ऑन ए मैगी पाई स्टील. और उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सिखाया कि हम किसी और की मतलब आशा में बैठे रहते हैं और अपना खुद का कुछ काम नहीं करते सिर्फ सोचते रहते हैं वो ठीक नहीं होता. हमको इस बिलीफ की मतलब इस कहावत की उसने उसको वैल्यू सिखाई बच्चों को सॉल्ट ऑन ए मैगी पाई. मतलब एक जो सॉल्ट है ना मैगी पाई इसकी टेल पे डालना रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है. रियल में इसका मतलब ये है कि हम खुद को हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना चाहिए. ठीक है. तो दिस इज़ योर चैप्टर. योर चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड. तो इसका मीन पूरे चैप्टर का मीन यही निकलता है कि हार्डवर्क इज़ द बेस्ट वर्क. ठीक है. हार्डवर्क इज़ द की टू सक्सेस. मतलब कभी भी अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. सिर्फ हमको प्लान बना लेने से या सोच लेने से कुछ कंप्लीट नहीं होता है. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.